जिसमें से सातों भाइयों का कब्र यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। सात भाई और एक बहन वाला वो घटना सच है? बिल्कुल भी एकदम। सो हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पहाड़ी वाला ब्लॉग्स। आज का ये ब्लॉग ना गाइस काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस ब्लॉग में एक सच्ची स्टोरी, एक सच्ची घटना को उजागर करने वाला हूं, जिसे सुनने और देखने के बाद आप सभी के रोंगटे खड़े होने वाले हैं। और ये काफी ज्यादा इमोशनली भी है। तो हम लोग जब पहले अपने गाँव में रहा करते थे ना, उस वक्त मैं काफी ज्यादा छोटा था, तो मैं अक्सर अपने दादाजी और अपने दादी जी के मुंह से एक कहानी बार बार सुनता था। और उस कहानी को सुनने के बाद ना मैं काफी ज्यादा डर भी जाता था और ये भी सोचता था कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। तो उस वक्त मैं उसको इतना डीपली नहीं लेता था और फेक समझता था, झूठा समझता था। लेकिन आज जब मैं बड़ा हुआ हूँ ना, तब जाकर मुझे पता चला कि जो स्टोरी मैं बचपन से सुनकर बड़ा हुआ हूँ, वो स्टोरी एक सच्ची घटना पे आधारित है, जिसे आज हम लोग काफी करीब से देखने वाले और उसे एक्सप्लोर करने वाले और उसके पीछे का क्या राज है ये भी जानने वाले। तो ये ब्लॉग गाइज आप लोग एंड तक देखते रहना, तब जाकर आपको उस स्टोरी के बारे में समझ में आएगा। और वो स्टोरी सुनने के बाद ना आप लोग भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाओगे और मेरी तरह ही सोच में पड़ जाओगे। चलो गाइज, हमारा निकलने का वक्त हो चुका है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ चुका है, वो है बारिश। सुबह से जो आ रहा है भाई, वो आ रहा है लगातार, मतलब एक भी बार नहीं छूटा है। लेकिन मैं भी जिद्दी हूँ, मैंने पापा का जो रेनकोट है ना वो निकलवा दिया। ये रेनकोट पहन के ही जाएंगे, मतलब आज ये स्टोरी को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे तो करेंगे। अब जितने भी इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स है ना गाइज, वो सारा कुछ मैं ले लेता हूँ, क्योंकि वहां पे ना मुझे 2 दिन रुकना पड़ेगा। सारा स्टोरी अच्छे तरीके से जानूंगा, उसके बाद ही एक्सप्लोर करूंगा। मतलब कोई भी गलत और फेक जो स्टोरी है ना, वो अब तक नहीं जाना चाहिए, वो मेरा थॉट है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स है वो सारा कुछ यहाँ पे, कपड़ा वगैरह ले ले रहा हूँ। फाइनली हमारा पैकिंग हो चुका है, अब फटाफट से वो रेनकोट पहनते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। मेरे पापा जी का ही कहना था गाइस कि जो कहानी हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, मेरे पापा जी भी मेरे दादाजी और दादी जी से सुनते थे, और मैं भी वो कहानी अपने दादाजी और अपने दादी जी से सुना था। तो पापा जी का ही कहना था कि वो कहानी को फिर से ताजा करो और लोगों तक अच्छे तरीके से शेयर करो, क्योंकि वो कहानी ना हमारे गाँव में ही बीता था, तो वो कहानी तो आप लोगों तक शेयर करना बनता है। हाँ, वो जगह अभी हम लोग चलेंगे, मतलब इस ब्लॉग में ही वो जगह को मैं आप सबको दिखाऊंगा, अच्छे तरीके से दिखाऊंगा। क्या हुआ? सट रहा वहाँ पे, सट रहा वहाँ पे, तार सट रहा। देखो हमारे यहाँ का जो तार है ना कितना लूज है, तो आपस में एक दूसरे से सट रहा है ना, तो भाई शॉर्ट सर्किट हो रहा है। क्या बोल रहे थे, भूल गए? पहले का जो बुजुर्ग लोग होगा ना, उससे पूछना। हाँ पहले तो वही, इसलिए तो इतना दिन पहले जा रहे हैं। तो चलो फटाफट से अपने बाइक को निकालते हैं, और देखो पानी कितना भयंकर आ रहा है, बारिश अभी भी रुका नहीं है, इसी बारिश में मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ सही से जाएंगे। अरे क्या दिक्कत है, बारिश आ रहा है, रेनकोट वगैरह तो पहन ही लिया। ठीक है चलते, ठीक है चलो गाइज घर से निकलते हैं, सिर्फ वो स्टोरी आप तक शेयर करने के लिए गाइज इस बारिश में मैं जा रहा हूँ। अदरवाइज मेरे मम्मी पापा कोई भी मान नहीं रहे, मुझे जाने नहीं दे रहे, बहुत मुश्किल से मैंने परमिशन लिया और फिर जा रहा हूँ। हेलो भाई साहब, देखो कितना भयंकर बारिश आ रहा है। तो मैं निकल चुका हूँ इस भीगती हुई बारिश में अपने गांव की तरफ, जो कि यहाँ से करीबन 45 किलोमीटर की दूरी पे है, और अभी भयंकर वाला बारिश आ रहा है। तो ये जो सफर है ना, ये एडवेंचर से भरा हुआ रहने वाला है, और अगर लाइफ में एडवेंचर ना हो तो लाइफ किस काम का। ओहो, जर्किन वगैरह ना हो रोड में। ये रहा हमारे दादाजी का घर, अब डायरेक्ट चलता हूँ अंदर और सभी को सरप्राइज देता हूँ, क्योंकि किसी को पता नहीं कि मैं आ रहा हूँ। भाई इतने बारिश में कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता है कि मैं यहाँ पे आऊँगा। ओ भाई, तुम्हारा भाई तुम्हारे शहर में इंटर हो चुका है। तो मैं पहुंच चुका था अपने गांव, और गांव पहुंचने के बाद सबसे पहले उस कहानी के बारे में मैंने पूछताछ की अपने दादाजी और अपने दादी जी से, तो मुझे पता चला कि वो कहानी बिल्कुल भी सच है। सच है, सच सच है। हाँ भाई सच, हाँ वो सच, हाँ वो सच, हाँ वो सच। इन सभी से पूछताछ करने के बाद भी मुझे थोड़ा सा डाउट था, तो मैं पहुंच गया जहाँ पे वो घटना बीती थी, उसके आस पड़ोस वाले गाँव पे। करीब वाले हम लोग एक एरिया पे आ चुके, एक बस्ती पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे उस घटना के बारे में थोड़ा सा पूछताछ करते हैं यहाँ के लोगों से, और देखते हैं कि वो घटना के बारे में इन लोगों को जानकारी है, और जानकारी है तो वो घटना सच है या नहीं है, वो पूछते हैं। तो पूछते हैं, हमारी एक दादी जी यहाँ पे हमें मिल गई है। दादी जी, जो वो बिंदु बसायर वाला जो घटना बीता था, सात भाई और एक बहन वाला, वो घटना सच है? हाँ। बिल्कुल भी एकदम एकदम।
काफी सारे लोगों से पूछताछ करने के बाद मुझे पता चला कि वो जो कहानी थी वो कहानी बिल्कुल भी सत्य थी। उसके बाद मैं पहुंच गया उस प्लेस पे जहां पे वो घटना घटी थी। वहां पे पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने उस एरिया का थोड़ा जायजा लिया कि जो कहानी मैंने सुना था उस कहानी के हिसाब से वो प्लेसेस मैच कर रहे थे या नहीं। देखो पुरानी कहानी को एक्सप्लोर करने में कितना ज्यादा मेहनत लगता है। हम लोग सारे लोग यहाँ पे आ गए और देखो झाड़ी वाड़ी में घुस घास के हम लोग उस स्टोरी को एक्सप्लोर करने के लिए जहाँ जहाँ पे जो जो चीज बीता था ना वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और देखो कैसे झाड़ी वाड़ी में घुस कर जा रहे हैं हम लोग। तो हाँ वो सभी प्लेसेस मैच कर रहे थे। ये कहानी ना गाइस सात भाई और एक बहन की है जिसमें से सातों भाइयों का कब्र यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके 7 यहाँ पे कब्र है और जो बहन है ना उनका कब्र उस तरफ है देख सकते हो। तो चलिए अब स्टोरी, आप लोग काफ़ी कंफ्यूज में होंगे कि वो स्टोरी क्या है जिसके लिए तुम इतना स्ट्रगल करके अपने गांव आए हो और ये सब कुछ कर रहे हो, तो चलिए वो स्टोरी हम लोग जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है गाइस सात भाई और एक बहन से। एक दिन था जब सातों भाइयों को ना साग खाने का काफी मन किया था तो वो साग लाकर अपने बहन को दिए और बोले कि साग तुम बनाओ और हम लोग जा रहे काम पे। और वो लोग ना खेती बाड़ी वगैरह करते थे क्योंकि पुराने समय में लोग खेती बाड़ी ही करते थे, तो वो लोग अपने काम पे चले गए और काम पे जाने के बाद बहन जो है ना वो घर पर साग बनाने लगी। तो क्या हुआ, साग बनाते बनाते उसका अचानक से एक अंगुली ना वो कट गया। कटने के बाद वो अंगुली से काफी ज्यादा खून निकलने लगा और वो खून ना जाकर उस साग में गिर गया। तो उसकी बहन डर गई और शाम का वक्त भी हो चुका था, वो दोबारा साग लाकर बना भी नहीं सकती थी क्योंकि उनके भाइयों का आने का समय भी हो चुका था। तो वो काफी डर गई कि अगर ये साग में फेंक दूंगा तो फिर सब्जी नहीं बन पाएगा और सब्जी नहीं बनेगा तो जितने भी मेरे भाई लोग हैं ना वो उस पर काफी गुस्सा करेंगे। तो वो क्या की ना कि वो उन वाले साग को ही बना डाली और बनाने के बाद जैसे उनके भाई लोग आए ना तो वो साग को उन लोगों को वो परोस दी। परोसने के बाद जैसे उनके भाई लोग साग खाए ना तो उस दिन का साग उन लोगों को काफी ज्यादा स्वादिष्ट लगा। तो उनके भाई लोग पूछे क्या साग में क्या मिला जो इतना ज्यादा स्वाद बढ़ चुका है। तो उनकी बहन बोली कि कुछ भी तो नहीं, जो साग में लहसुन प्याज डाला जाता था वही डाले और वही डाल के बनाए। तो फिर दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन फिर उनके भाई लोगों ने साग लाया और बोला कि फिर से कल की तरह ही साग बनाओ। तो उनकी बहन बनाई और फिर से परोसी। तो खाने के बाद उनके भाई लोग बोले कि कल की तरह तो स्वाद नहीं आया, कल क्या क्या तुम डाली थी। तो वो बोली कुछ भी तो नहीं, मतलब वो डर रही थी तो वो अपनी बात को छुपा रही थी। तो फिर तीसरा दिन हुआ, तीसरा दिन भी उनके भाई लोग साग लाए और बोले कि अच्छे तरीके से याद कर लो कि उस दिन तुम क्या क्या डाली थी और उस तरीके से ही डाल के फिर से ये साग को तुम बनाओ। वो बनाई और फिर से परोसी। परोसने के बाद वो टेस्ट वो स्वाद उस वाले साग में नहीं आया क्योंकि पहले वाले साग में तो उसका खून चला गया था जिसकी वजह से उस साग का स्वाद बढ़ चुका था, लेकिन तीसरे दिन वाला साग का स्वाद नहीं आया। तो उनके भाई लोग उनको फोर्स करने लगे कि तुम कुछ ना कुछ तो मिलाई होगी, तुम याद करो। काफी ज्यादा फोर्स करने के बाद उसकी जो बहन है ना वो बोली कि चलो सच बता ही देता हूँ, मेरे भाई लोग क्या ही करेंगे। तो वो अपना सच अपने भाई लोगों को बता दी कि दरअसल बात ये था ना कि मैं जब साग बना रही थी ना तो साग बनाते बनाते क्या हुआ ना कि मेरा एक अंगुली कट गया। कटने के बाद जो खून जो अंगुली से निकला ना वो सारा खून उस साग में ही जाकर मिल गया और मैं डर के कारण, ताकि अगर ये साग को मैं फेंक देती तो दूसरा साग बनाने का मेरे पास टाइम नहीं था और आप लोगों का आने का वक्त हो चुका था, तो मैं डर से वो साग को ही बना दिया और आप लोगों को परोस दिया। सारे भाई लोग काफी चौंक गए। तो सातों में से जो चौथा नंबर वाला भाई था वो अपने बड़े भाई को क्या बोला कि जब इसका खून इतना ज्यादा स्वादिष्ट है तो इसका मांस कितना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। सारे भाई लोग इसमें सहमत हो गए कि तुम सही बोल रहे हो, जब इसका खून इतना ज्यादा स्वादिष्ट है तो इसका मांस और भी ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तो ये सारे भाई लोग मिलकर ना अपने बहन को मार कर उसका मांस खाने का प्लानिंग करने लगे। तो जो सातों में से सबसे छोटा वाला भाई था ना, जो अपने बहन से काफी ज्यादा प्यार करता था और वो भाई थोड़ा सा एक आंख से कम देखता था, एक आंख से तिरछा देखता था, उससे हम अपने गांव के लैंग्वेज में काना बोल सकते हैं, वो इन सब चीजों को लेकर सहमत नहीं था। लेकिन जो छह भाई थे ना वो मिलकर उस भाई को काफी ज्यादा फोर्स करने लगे, काफी ज्यादा दबाव डालने लगे, तो वो भी इन सब चीजों के लिए सहमत हो गया। और ये लोगों ने एक प्लानिंग किया कि अपने बहन को मार कर इसका मांस खाएंगे। तो दूसरा दिन क्या हुआ ना, ये लोग प्लानिंग इस तरीके से किए कि हम लोग चलते हैं शिकार पे और साथ में अपने बहन को भी लेकर जाते हैं और उसी बहाने उस वक्त ही अपने बहन को मार के उसका मांस हम लोग खाएंगे। तो शिकार पर लेकर निकला अपने बहन को भी साथ में कि चलो हम लोग शिकार पे जा रहे, तुम भी हमारे साथ चलो। तो शिकार पे लेने के बहाने यहाँ पे एक मचान था। देखो ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सामने आओ, सामने
ये जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है ना, इस पेड़ पे उन्होंने एक मचान बनाया था। इन दोनों पेड़ों को मिलाकर उन भाइयों ने यहाँ पर एक मचान बनाया था। अगर आप लोग मचान नहीं जानते हो ना, तो उसका स्क्रीनशॉट मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ। जो विलेज से बिलोंग करते हैं वो मचान के बारे में जानते होंगे कि मचान कैसा होता है। तो वो लोग अपने बहन से क्या बहाना बनाए कि यहाँ पे काफी सारे जंगली जानवर वगैरह रहते हैं जिनसे तुमको खतरा हो सकता है, तो तुम क्या करो कि ऊपर चले जाओ और ऊपर तुम सेफ रहोगी, तब तक हम लोग इन जंगलों से जाकर शिकार वगैरह कर आते हैं। तो वो लोग अपने बहन को ऊपर चढ़ा दिए और वो लोग चले गए वो सामने वाला जो पहाड़ दिखाई दे रहा है ना, उस पहाड़ पे। इस पहाड़ पर आने के बाद उन सभी के पास जो हथियार थे ना, जो तीर वगैरह थे ना, वो यहाँ पे तेज करने लगे, जिसका निशान अभी भी यहाँ पे मौजूद है, देख सकते हो। तीर तेज करने के बाद वो लोग चले गए उस पहाड़ पे। ये बात यहाँ से वो लोग अपने बहन के ऊपर तीर छोड़ना शुरू किए। तो सबसे पहले नंबर आता है सबसे बड़े वाले भाई का, तो वो निशाना लगाते अपने बहन के ऊपर, तो उनका जो निशाना है ना वो निशाना चूक जाता है। उसके बाद नंबर आता है उसके बाद वाले भाई का, उसका भी निशाना चूक जाता है। ऐसे ही कर करके छह भाई जो है ना वो निशाना चूक जाते हैं। तो सबसे लास्ट वाला जो भाई है, जो सबसे छोटा भाई था, एक आंख से थोड़ा सा नहीं देख पाता था, थोड़ा सा तिरछा देखता था, तो उसका नंबर आया। तो वो जो है ना वो अपने बहन से काफी ज्यादा प्यार करता था, तो वो ऐसा नहीं करना चाह रहा था। वो अपने भाइयों को बोल रहा था कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं मारूंगा। तो फिर वहां पे भी सारे भाई लोग मिलकर ना फोर्स करने लगे, तो वो भी अपने भाइयों के दबाव में आकर निशाना लगाना शुरू किया। और वो ये सोच रहा था कि छह भाई की तरह मैं भी निशाना को जानबूझकर चुका दूंगा, लेकिन वो एक आंख से थोड़ा सा तिरछा देखता था। तो वो निशाना अपने बहन को छोड़कर कहीं और पे लगाया, लेकिन उसका निशाना उसके बहन के ऊपर ही था और उसे पता नहीं था, क्योंकि वो एक आंख से थोड़ा सा तिरछा देखता था। और वो जैसे तीर छोड़ा ना, तो जाकर उसके बहन के छाती पर लगा और उसकी बहन वहीं पे दम तोड़ दी, यानी कि मर गई। और मरने के बाद ना गाइस, वो लोग अपने बहन का मांस यहीं पे बनाने लगे, और जो सबसे छोटा वाला भाई था ना, उसको इतना बड़ा रस्सी दिया और बोले कि तुम जंगल से जाओ लकड़ियां जुगाड़ करके लाओ। तो वो भाई जंगल गया। जंगल जाने के बाद वो तो लकड़ियां काफी सारा इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद जो इतना बड़ा रस्सी दिया था उनके भाइयों ने, तो वो रस्सी से जब उस लकड़ियों को बांध रहा था, तो वो रस्सी छोटा पड़ गया था। तो वो वहां पे काफी फूट फूट कर रोने लगा कि एक तो मैंने अपने बहन का कत्ल भी कर दिया, अपने बहन को मार भी दिया है, और ऊपर से अगर मैं अभी लकड़ियां लेकर नहीं जाऊंगा, अपने भाइयों को नहीं दूंगा, तो हो सकता है कि मेरे भाई मुझे भी मार दे। तो वो काफी ज्यादा डर गया था और वहां पे वो फूट फूट कर रोने लगा। तो रोते रोते क्या हुआ ना कि यहाँ पे एक पहले का कहानी है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, और ये कहानी काफी सारे लोग बोलते हैं कि सत्य है। तो वहां पे क्या हुआ ना कि एक सांप आया। सांप आने के बाद वो सांप बोला कि क्यों रो रहे हो, उससे पूछा। तो पूछने के बाद वो अपना जो कहानी था, वो अपना जो दुख था, वो उस सांप को शेयर किया। तो वो सांप बोला कि अच्छा ऐसा बात है, तो एक काम करते हैं कि तुमने जो लकड़ी इकट्ठा किया वो सभी को एक जगह पे करो, मैं जाता हूँ और उस लकड़ी पे लपेट जाता हूँ, मतलब लपेटा जाता हूँ। सांप क्या किया कि उस लकड़ी पे जाकर लपेटा गया और बोला कि चलो तुम अपने भाई के पास ये लकड़ियां दे देना और मैं नीचे से निकल जाऊंगा। तो वो वैसा ही किया, जाकर उन लकड़ियों को वो अपने भाइयों को दिया और वो सांप नीचे से निकल गया। अब ये कहानी ना मुझे थोड़ा सा लॉजिक वाला नहीं लगा, क्योंकि सांप कैसे बोल सकता है, बट हाँ जो मैं स्टोरी सुना हूँ और मैंने पूछताछ किया, तो उसके बाद भी यही स्टोरी बताया जा रहा था। मैंने उनसे पूछा भी था कि सांप कैसे बोल सकता है, वो बोले कि पहले का जो लोग थे ना वो काफी सच्चे थे, तो वो पशु पक्षियों से भी बात कर सकते थे। तो हो सकता है कि ऐसा हुआ होगा उस जमाने में, मतलब वो अपने छोटे भाई को ना टास्क दे रहे थे, पहले इतना बड़ा रस्सी देकर इतना मोटा लकड़ी का गुच्छा लाने के लिए बोले, तो उसमें भी वो पास हो गया अपना जुगाड़ लगा के सांप के जरिए। फिर उसको दिया गया उसके छह भाइयों की तरफ से दूसरा टास्क, एक घड़ा दिया गया जहाँ पे छह छेद किए गए और बोला गया कि जाओ तुम इस पर पानी लेकर आओ। तो वो भाई गया उस एरिया के काफी करीब वाले कुएं पे और वहां पर जाकर जैसे उस घड़े से वो पानी भरता, तो वो सारा पानी बह जाता क्योंकि उस घड़े में छह छेद थे। तो वो भाई वहां पर भी बैठकर रोने लगा। रोते रोते उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं छह मेंढकों को पकड़ू और जहां जहां पे छेद है उस घड़े पे, उन छेदों पे वो मेंढकों को चिपका दूं। तो वो बिल्कुल भी वैसा ही किया और उस घड़े में पानी भर लिया और साथ ही साथ उस कुएं से कुछ मछलियां पकड़ा और कुछ केकड़े पकड़ा और वो अपने साथ में लेकर आया, ताकि जब जब उनके छहियों भाई उनके बहन का मांस खाएंगे तब तब वो मछलियां खाएगा, और जब जब इनके भाई अपने बहन का हड्डियां चबाएंगे तब तब ये केकड़ा चबाएगा, ताकि उन सभी भाइयों को लगे कि ये भी भाई अपने बहन का मांस खा रहा है। तो ऐसे करके ये अपने बहन का मांस नहीं खाता है, तो जितना मांस इसके पास बच जाता है, तो वो मांस को जाकर ये एक टीले पे छिपा दिया। टीला अगर आप लोग नहीं जान रहे हो तो मैं आपको बता दूं, जहाँ पे चींटियां रहती है ना उसे टीला कहा जाता है। उसके बाद काफी समय बीता और उस टीले से बांस निकल आए।
और ये जो आप लोग बांस देख रहे हो ना, ये बांस उसके मांस से ही निकला हुआ है। इसके बाद का भी स्टोरी ना काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ से एक जोगी पार हो रहा था तो उसकी नजर पड़ी इन सीधे बांसों पे, तो उसके दिमाग में ख्याल आया कि इस बांस से मैं एक अच्छा केंद्रा बना सकता हूँ और उससे अच्छे खासे पैसे कमा सकता हूँ। अगर आप लोग केंद्रा नहीं जान रहे हो तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, इसे केंद्रा कहते हैं। तो वो जाकर उस बांस को काटने लगा तो बांस से क्या आवाज आती है वो सुनो, ना काट काट रे जोगी ई तो लागो हमर भाई कर रोपल बांस। तो वो जोगी काफी चौंक गया और वो ये भी सोचा कि इस बांस से जब इतनी अच्छी आवाज आ रही है तो इस बांस का केंद्रा बना हुआ कितना अच्छा आवाज आएगा। तो वो उस बांस को काट कर केंद्रा बना लिया। केंद्रा बनाने के बाद वो घूमते फिरते पहुंच गया अनजान से उन सातों भाइयों के घर के पास। तो वो सबसे पहले बड़े वाले भाई के घर गया और वो सोचा कि यहाँ पर मैं केंद्रा बजा कर अच्छे खासे इनाम कमा सकता हूँ। तो वो जैसे वहां पे केंद्रा बजाने लगा तो उस केंद्रे से फिर से आवाज आता है कि ना बाज बाज रे केंद्रा ई तो लागो हमर दुश्मन कर घर। मतलब ये एक देसी लैंग्वेज है, जो कहानी मैं सुना हूं ना वो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे करके वो जैसे छह भाई के घर में केंद्रा बजाने जाता तो केंद्रा से काफी अजीब आवाज आने लगती, तो वो सारे लोग मारकर भगा देते उस जोगी को। तो वो जैसे सबसे लास्ट वाले सबसे छोटे वाले भाई के घर जाता है जो अपनी बहन से काफी ज्यादा प्यार करता है, बाज बाज रे केंद्रा ई तो लगा हमर भाई कर घर। तो उस भाई के घर पे केंद्रे से काफी अच्छी आवाज आने लगी तो वो भाई खुश होकर उस जोगी को अपने घर पर एक दिन के लिए रोक लिया। और रोकने के बाद जैसे रात हुई ना तो वो अपने केंद्रे से उस केंद्रे को चेंज कर दिया और दूसरे दिन वो जोगी उसके भाई वाले केंद्रे को लेकर चला गया। उसके बाद जैसे उसका छोटा भाई अपने घर से बाहर जाता काम वाम करने के लिए और काम वाम कर आकर देखता तो उसका घर बिल्कुल भी साफ सुथरा हो जाता और खाना वाना खुद बन जाता। तो वो छोटा भाई काफी ज्यादा चौंक गया कि मेरे घर को कौन इतना साफ सुथरा कर दिया। और फिर दूसरे दिन भी वही सेम हुआ तो तीसरे दिन उसके भाई ने प्लान बनाया कि मैं छुपकर देखूंगा अपने घर पे कि मेरे घर को कौन इतना साफ सुथरा करता है। तो वो एक कोने में छुप गया। छुपने के बाद देखा क्या कि वो जो केंद्रा जो जोगी से चेंज कर लिया था उस केंद्रे से उसकी बहन की आत्मा निकलती थी और वो उसके घर को पूरी तरीके से साफ सुथरा कर देती थी और खाना वाना सब बना देती थी। तो वो छोटा भाई काफी ज्यादा डर गया और डरने के बाद क्या किया कि उस केंद्रे को वो तोड़ दिया। तो जैसे वो केंद्रा तोड़ा ना तो उसकी बहन की जो आत्मा थी ना वो मुक्त हो गई। और कुछ लोग बोलते हैं कि उसकी बहन जीवित हो गई थी उस केंद्रे को तोड़ने के बाद और वो लोग दोनों साथ में रहने लगे थे। जो बहन थी जो जिसको सातों भाई मिलके हाँ, मारा था हाँ, तो वो जिंदा हो गई। जिंदा हो गई। और फिर जो सबसे छोटा वाला भाई जो उससे ज्यादा प्यार हाँ, करता था उसके साथ भाई रहने लगे। शुक्रिया दादी जी आपको इतना स्टोरी बताने के लिए हमें। और क्या बोलते हैं कि यहाँ का जो स्टोरी है ना गाइस वो काफी सत्य है और यहाँ पे हाँ पूरा सत्य है। दादी जी बोल रही है कि पूरा सत्य है और यहाँ पे दशहरा के अठमी के रोज जो है ना यहाँ पे पूजा वगैरह भी किया जाता है और अभी भी माना जाता है कि यहाँ पे जो उनकी बहन है ना वो यहाँ पे इस जो ये जो एरिया है ना इस एरिया का देखभाल करती है ना, पूरा देखभाल करती है। यहाँ पे कोई भी अगर कोई गलत काम करता है, कोई नुकसान पहुँचाना चाहता है तो इस एरिया पे वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उनकी बहन इस एरिया पे रक्षा करती है। ये था गाइस ये बिंदु बसायर की रियल स्टोरी जो कि हमारे झारखंड के ठाकुर गांव में बीती है। तो और मुझे लगता है कि जितने भी झारखंड के लोग हैं ना वो कहीं ना कहीं अपने दादाजी और अपने दादी जी के मुंह से वो कहानी तो सुना ही होगा। अगर आपने सुना है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। तो दादी जी ने हमारा काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर दिया है तो हमने सोचा कि अपनी तरफ से भेंट में दादी जी को कुछ दिया जाए। तो लीजिए दादी जी आपके लिए ये स्टोरी बताने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया फिर से। ठीक है फाइनली गाइस वो स्टोरी को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के बाद और उस प्लेस को काफ़ी करीब से देखने के बाद हम लोग घर आ चुके हैं। और वो जो स्टोरी ना वो गाइस बिल्कुल भी सत्य था क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा इस स्टोरी के पीछे पहले रिसर्च किया उसके बाद फिर ये स्टोरी आप तक पहुंचाया। और आज जो भी मेरे से मिस्टेक हुई हो ना तो प्लीज मुझे माफ करना। और मिलते गाइस हम लोग अगले फ्रेश ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।